Good morning, students. Myself Vansar from Sanskar Global School. This is part 2 of comparing quantities. ठीक है, तो पहले पार्ट के मैंने सारे आपको डेफिनेशन बताए थे, फॉर्मूले बताए थे. इसमें भी अब मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से बोलूंगा आपको. जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ 12, यानी पूछ रहा है कि 75 का 12 का 12, यानी अगर कोई क्वांटिटी से 12, वो कुछ भी हो सकता है, रुपीज हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो मान लीजिए आपका पूछ रहा है कि 75% ऑफ 12 का निकालिए, 12 का 75% कितना होगा. तो मैंने 75% निकालना है किसका, 12. सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना रहता है तो क्या करते हैं, परसेंटेज साइन हटाते हैं और नीचे 100 लिख देते हैं. तो 75 × 100 × 12, ये देखिए 25 × 3 = 75, 25 × 100, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 × 9, यानी 12 का 75% की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 9. ये आपका क्या गया आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एट 3 आइसक्रीम कप्स आउट ऑफ 5 केप्ट इन द फ्रिज. आपके घर में फ्रिज में क्या दिया है, 5 आइसक्रीम की कप्स रखी है और उसमें आपने 3 आइसक्रीम क्या कर लिया, खा लिया. तो व्हाट परसेंटेज डिड यू ईट, तो पूछा है कि कितना प्रतिशत आपने खाया है. तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो परसेंटेज आपको निकालना होता है उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिसमें से इसको निकालना होता है, जैसे 3 आइसक्रीम कप्स का रेशियो किसमें से निकालना है, 5 कप्स ऑफ आइसक्रीम के रेशियो, तो उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं. तो हमें रिक्वायर्ड रेशियो किसका निकालना है, 3 आइसक्रीम का, और टोटल कप्स कितने हैं, 5 के. तो रिक्वायर्ड परसेंटेज को हमें पूछा है ना कि व्हाट परसेंटेज, कितना प्रतिशत आपने खाया है. तो रिक्वायर्ड परसेंटेज 3 आइसक्रीम्स आपने खाया, टोटल जो क्वांटिटी थी उसको आपने डिनोमिनेटर में रखा इंटू 100. फिर देखिए 5 × 5 = 10, 20 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 60%. यानी आपने अगर 5 कप्स ऑफ आइसक्रीम की और उसमें आपने 3 कप्स ऑफ आइसक्रीम ईट कर दिया तो टोटल आपने 60% आइसक्रीम खा लिया. ठीक है, रूल एक आपको रूल हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कभी भी कोई क्वांटिटी दी गई है और उसको कह दिया है कि भैया कितना प्रतिशत बढ़ा है उसको परसेंटेज निकालिए, और कोई भी क्वांटिटी का परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ है वो निकालिए, तो आप देखिए अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो जितना वैल्यू बढ़ी होती है उसको लिख देते हैं और इधर वैल्यू लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बढ़ा देते हैं. और अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता है तो डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%. जैसे इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक साल पहले मान लीजिए 1 ईयर एगो आपने एक जो है घड़ी खरीदी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 500 रुपये. ठीक है, 1 ईयर एगो वॉच कॉस्ट थी कितना, एक साल पहले वॉच की कॉस्ट थी 500, और नाउ अब उसी वॉच की कॉस्ट हो गई आपकी क्या, 600 रुपये. तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. अब वही पूछा जाए कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, तो आप क्या करो, कितना रुपये बढ़ा है, तो वही कहेंगे परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना. तो जस्ट आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या, इंक्रीज इन वैल्यू, कितना बढ़ा, पहले 500 था 600 हो गया, यानी 100 रुपये बढ़ा, कितने में से 500 में से बढ़ा, 200 upon 500 × 100. ठीक है, विद 100 upon 500 × 100, और यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए, 100 × 100, 100 × 500, 500 × 10, यानी कितना बढ़ा, 20% वैल्यू यानी कॉस्ट बढ़ गया. ठीक है, अब आती है डिफिनेशन, आपको ध्यान रखना चाहिए कि सीपी का जो फुल फॉर्म होता है, सीपी का होता है क्या, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड बाय यूजर, वह कीमत जिस पर कोई भी दुकानदार किसी भी चीज को, किसी भी आर्टिकल को परचेज करता है वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है. ठीक है, फिर आता है आपका क्या, सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस एसपी इसको लिखते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होती है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय यूजर, वह प्राइस जिस पर कोई भी दुकानदार किसी भी चीज को बेचता है वो आपका क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाती है. अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से क्या होती है, ज्यादा होती है. अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, प्रॉफिट होगा. कैसे, अगर आप कोई सामान 500 रुपये में लेके आते हो, बेचते हो 600 रुपये में, तो आपको जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 500, सेलिंग प्राइस क्या है, 600, तो आपको प्रॉफिट होता है.
तो प्रॉफिट जो होता है कहने का मतलब एस पी ग्रेटर देन सी पी, और प्रॉफिट कितने का हुआ है तो एस पी में से सी पी घटा दिए, यानी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए तो आपको प्रॉफिट पता लग जाता है। इसी प्रकार अगर आप कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है, लॉस का जो प्रॉब्लम होता है सी पी माइनस होती है। यानी अगर आप कोई सामान 500 रुपये में ले आ रहे हो और 400 रुपये में बेच रहे हो, या कोई सामान आप 600 रुपये में ले आ रहे हो और उसे 200 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है घाटा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो होता है लॉस होता है, और लॉस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अगर वही आपको जो प्रॉफिट हुआ है पूछ ले कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज में बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है उतना उसको लिखते हैं, अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, इनटू 100, और यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता है। अभी क्वेश्चन आगे लगवाए हैं, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस जितने का होता है वो लिखते हैं, अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। इस प्रकार से ये आपका प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो गया, कॉस्ट प्राइस लॉस निकालने का फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया, लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी पे मैं बनाया हूँ कि ए डीलर बाय द वॉच फॉर ₹580, कोई एक दुकानदार है वो ₹580 में एक वॉच को खरीदता है और उसे बेच देता है ₹667 में, तो फाइंड हिज प्रॉफिट, तो उसे कितना मुनाफा होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू ₹580 कितना है 580, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू कितना है ₹667। तो पूछा क्या है, फाइंड प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, तो सेलिंग प्राइस यहाँ क्या है ज्यादा है किससे कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ₹667 माइनस ₹580, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उसे कितने का हुआ है ₹87 का। ठीक है, फिर ये जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा है तो अभी अभी मैंने लिखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, जितने का आपको प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर लिख दीजिए, कॉस्ट प्राइस जो है आपको 580 उसको डिनोमिनेटर में इनटू 100, तो यानी कि 2 5 10 0, 2 1 2 2 4, 2 9 15। ठीक है, और ये आपका जीरो गया, फिर ये जीरो कट गया, 29 में जाओ 29 दिया गया और 37 3 9 27 का 7 कैरी 2 3 2 6 2 8, तो 3 5 15। ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयरिंग क्वांटिटीज को फॉर्मूले को रिमेंबर कीजिए और उनसे सवाल लगाइए। ठीक है, थैंक यू।